आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऋषि कनाद की। कौन है ये? आज से 2500 साल पहले एक इंसान ने पूरे एटम को समझा दिया था, मॉलिक्यूल्स को समझा दिया था, किस तरह से वो इंटरैक्ट करता है उसको समझा दिया था, स्ट्रक्चर बता दिया था और बहुत सारी चीजें जो कि एटम से रिलेटेड है ऋषि कनाद ने बता दी थी अपने वैशेषिक दर्शन में। दोस्तों आपको पता ही है कि हिंदू में इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में टोटल 6 डिविजन्स हैं, ठीक है, उनमें से एक है वैशेषिक का। अभी हम उसकी हालांकि बात करेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा और जब हम इनकी थ्योरीज और इनकी फिलोसफी को मॉडर्न साइंस से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं और कभी कभी तो भैया उनसे बेहतर साबित होता है कि जो आज मॉडर्न साइंस नहीं समझा पा रही है वो पुराने ऋषियों ने समझा के रखा हुआ है। तो ऋषि कनाद कौन थे? ये सेज थे, फिलोसोफर थे और फिजिसिस्ट थे, संत थे, दर्शन शास्त्री और एक वैज्ञानिक। हालांकि इन्होंने इन्वेंट तो कुछ नहीं किया था लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरीज से पूरी दुनिया को दोस्तों हिला के रखा हुआ है। तो ऋषि कनाद की हम बात करेंगे, बहुत लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। _reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर्स की PDF भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया, पिन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों अभी तक हमने काफी इंडिया के भारत के जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं उनकी बात की हुई है। चाणक्य के बारे में हमने देखा था, आर्यभट्ट के बारे में हमने जाना था, चरक के बारे में हमने जाना था, कबीरदास जी के बारे में हमने जाने थे और भी बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं भारत के उनके बारे में हमने लेक्चर लिया था और देखा था कि कैसी उनकी जिंदगी थी और क्या क्या उन्होंने किया। आज हम बात करेंगे ऋषि कनाद के बारे में। अब दोस्तों हिंदुइज्म की बात करें, वैसे तो हिंदुइज्म पे मेरा पूरा 1 घंटे का सेशन है, 2 पार्ट में लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। मानव की डेस्टिनी क्या है? परम ब्रह्म से निकलती है आत्मा, आत्मन एनर्जी, वो घुसती है शरीर में। ये मैंने सब पूरा कवर किया हुआ हिंदुइज्म में। अब दोस्तों जब शरीर में घुसती है तो वो क्या करती है? इंटरैक्ट करती है। किससे इंटरैक्ट करती है? पूरी प्रकृति से इंटरैक्ट करती है, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती है। मानव शरीर का एम ये होता है कि जब उसकी मृत्यु हो तो उससे जो आत्मा निकलती है, उसकी शरीर से जब आत्मा निकले तो वो चुपचाप बिना रुके उस परम ब्रह्म में चली जाए। हमको बार बार जन्म नहीं लेना है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये अल्टीमेट एम होता है, ठीक है। अब इसको पाया कैसे जाए ये हिंदुइज्म बताता है। तो जैसा कि मैंने बताया था श्रुति और स्मृति, हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर जो है वो दो में डिवाइडेड है, उसमें से एक आता है दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी। मतलब भारत के टोटल 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है। वैसे तो बता दूं दोस्तों ये जो दर्शन शास्त्र है ये वैसे दो में डिवाइडेड है, एक तो थीस्ट और एक नॉन थीस्ट। थीस्टिक और नॉन थीस्टिक मतलब एक जो आस्तिक होते हैं जो भगवान में मानते हैं और एक जो नास्तिक होते हैं भगवान में नहीं मानते हैं। उनको बुरा भला नहीं कहते हैं लेकिन बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है तुम भगवान को समझो, तुम वेदों को समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एटम्स को समझ लो। ये ऋषि कनाद जो है वो यही तो बोलते थे ना कि अगर किसी ने एटम्स को समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ब्रह्म से वो जुड़ जाएगा। ऋषि कनाद एक बहुत खतरनाक चीज बोलते हैं जो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे तो एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने बोला था कि परम ब्रह्म की ही इच्छा से एटम्स काम करते हैं। कमाल की बात है दोस्तों, बहुत ही डीप सेंटेंस है, आप सोचिएगा। तो ये चीज है। तो अब दोस्तों क्या है कि दर्शन शास्त्र की बात करें तो इसमें 6 स्कूल्स हैं, संख्य पूर्व, उसके बाद मीमांसा, फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और उसके बाद फिर न्याय, वैशेषिका और योग। वैशेषिका दर्शन को ऋषि कनाद ने पूरा कंपाइल किया था और इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में है कि किस तरह से वो बिहेव करते हैं। बाकी ये सब तो मैं सब कुछ समझा ही चुका हूं और बहुत ज्यादा ये वेदों पे एडवोकेट करते हैं कि जिसने वेद को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। देखिए वेदों का जो कंसेप्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि लेटर वैदिक पीरियड में तो मैं खुद भी बोलता हूं कि सब कवाड़ा कर दिया, जहां पर यह डिविजन हुआ शूद्र हिंदू वैश्य क्षत्रिय, वहां से फिर ऐसा एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद फिर इंसानों ने ओरिजिनल मोटिव को भुला के उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, फिर वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जो ओरिजिनल मीनिंग है वो अलग है। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से साइंस से रिलेटेड है।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखिए नील बोहर तो बहुत बाद में आया ना, उन्होंने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, लेकिन बहुत सालों पहले वेदों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता था, क्योंकि वो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलेंगे, और एनर्जी फील्ड को शक्ति बोला जाता था। भैया शिवलिंग तो पूरा एटॉमिक मॉडल है, ये तो बहुत सारे रिसर्चों में पता चल गया है, इलेप्टिकल है ना वो। तो दोस्तों ऐसा है ना कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं उनका खाली एक ही मोटिव रहता था कि वो बताए जो सही है, लेकिन आज इन सारी चीजों को भुला दिया गया है और हम मॉडर्न साइंस पे बहुत ज्यादा रिलाई करने लगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहां भी ऐसे ऐसे राज राज छुपे हुए हैं कि अगर इनमें झांके तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो दोस्तों अगर सिक्स मेजर स्कूल्स की बात करें जो कि हिंदू फिलॉसफी में है, सबसे पहला है न्याय, उसके बाद आता है वैशेषिका, फिर संख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। अब दोस्तों ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, न्याय वैशेषिका एक, संख्य योग एक और मीमांसा वेदांता एक। अगर इसको आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया तो दिमागी हैंग हो जाएगा। दिमाग हैंग का मतलब ये है कि इसको आप समझ लीजिए तो आसानी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप उस परम ब्रह्म को समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की और नेचुरल एटोमाइजेशन की, मतलब कि किस तरह से जो हमारा यूनिवर्स बना है, तो इसमें एंशियंट दो ही थ्योरीज हैं, एक तो भारत की थ्योरीज है, बहुत सारी हैं, एक इंडियन है और एक ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक डेमोक्रेटस की थ्योरी, ठीक है, और काफी ज्यादा हमको कंटिन्यूटी मिलती है, काफी मतलब सिमिलर है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में इंडियन थ्योरीज जो हैं वो आगे निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये छह स्कूल्स हैं, चलिए इनके मैं फाउंडर भी बता देता हूं कि किसने किसने इसको फाउंड किया था। न्याय की बात करें दोस्तों तो ऋषि गौतम ने फाउंड किया था, और न्याय जो है वो डील किससे करता है, ये लॉजिक और एनालिटिकल रीजनिंग से डील करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, न्याय देना है भैया, जब तक आप लॉजिकल नहीं होंगे तब तक न्याय आपको समझ ही नहीं आएगा। वैशेषिका की बात करें तो वैशेषिका जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं, ऋषि कनाद ने इसको पूरा फाउंड किया था, और ये एटम बिल्डिंग और कॉन्शियसनेस चेतना से डील करता है। उसके बाद अगर संख्य की बात करें दोस्तों तो संख्य जो है ये कपिल, भगवान कपिल ने इसको बनाया था, और ये भी कॉन्शियसनेस की बात करता है, मैटर की बात करता है। और फिर योग की बात करें तो योग तो सबको पता है, बाबा रामदेव जी ने नहीं बनाया था, पतंजलि ने बनाया था, ठीक है, ऋषि पतंजलि ने बनाया था। और योग किसकी बात करता है, मेडिटेट करके भगवान में ध्यान लगाओ, ब्रह्म से जुड़ जाओ और भैया मोक्ष की प्राप्ति कर लो, उसके बाद फिर मीमांसा और वेदांत। तो इन छह चीजों को जिसने समझ लिया वो तो समझ लीजिए सर्वज्ञाता हो गया, दुनिया उसके सामने झुक जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि अभी इसको समझने में मत लग जाइएगा, अभी फिलहाल अपने कोर्स का पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीजें बात की है, मत पढ़िएगा क्योंकि भैया पूरा दिमाग हैंग कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऋषि कनाद की बात करें दोस्तों तो इनका जो नाम है, वैसे तो कनाद का मतलब होता है एटम ईटर, जो अणुओं को खाता हो, परमाणु को खाता हो, ठीक है, परमाणु मतलब एटम, अणु मतलब मॉलिक्यूल। तो ऋषि कनाद जो हैं, उनका जो जन्म है वो 6th century BC में हुआ था। बहुत लोग ये बोलते हैं कि 2nd century BC में भी हुआ था, देखिए अलग अलग मत है, ये कोई बायोग्राफी छोड़ के नहीं गए, ये किताब छोड़ के गए हैं। तो उस किताब में इन्होंने अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बड़े बदसूरत थे ये, बहुत ज्यादा बदसूरत थे ये, और हर कोई इनसे डर के भागता था। जब भी ये बाहर निकलते थे दिन में तो लड़कियां तो स्पेशली डर के भाग जाती थी, रास्ता बदल लेती थी, तो ये हमेशा रात में बाहर निकलते थे, तो दिक्कत थी। अब देखा ना कि कभी भी लुक से जो होता है, कभी भी आपका जीवन जो है वो निश्चित नहीं होता है, लुक्स टेम्परेरी होते हैं। आप देख रहे हैं ना कि ज्ञान के कारण आज भी 2500 साल बाद हम ऋषि कनाद को याद कर रहे हैं। तो कभी भी दोस्तों इस चीज से मत डिमोरलाइज हुए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा और मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, मैं उनको समझाता भी हूं, जो अपने लुक्स की वजह से इतना ज्यादा डिमोरलाइज हो गए हैं कि वो बोलते हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं। अरे कुछ नहीं है यार, ये सब 10-20 साल का खेल है, और उसके बाद हर कोई सबके मुंह आड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ज्ञान जैसे ही आप धारण करना शुरू कर देंगे, लेना शुरू कर देंगे, अपने आप आपके लुक्स बदल जाएंगे, बस इतना याद रखिए। तो फिर ऋषि कनाद के वापस आते हैं, वैशेषिक सूत्र की इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ये पूरा एटम और मॉलिक्यूल से डील करती है। दोस्तों आपको पता ही है कि एटम जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर होते हैं, मतलब इसके बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है। एटम की बात करें दोस्तों
तो उसमें बेसिकली तीन पार्टिकल्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिविजिबल है, मैं आपको बता दूं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क्स में टूटते हैं, ठीक है। और यहां पे फिर न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऋषि कनाद ने ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, ये भी मैं बता दूं, पूरी एटॉमिक थ्योरी नहीं की थी उन्होंने, एटॉमिक बिहेवियर के बारे में बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था, लेकिन इन्होंने बताया था कि एटम बिहेव कैसे करते हैं, आत्मा से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से एनर्जी में वो कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद फिर ब्रह्म से उसका क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें बताई थी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों अगर बात करें तो ऋषि कनाद ने ये बोल दिया था कि सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो होती है परमाणु यानी कि एटम, और ये इटर्नल है, ठीक है, ये हमेशा है और हमेशा रहेंगे। और ह्यूमन की एग्जिस्टेंस जब यूनिवर्स बना तब सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले किया था वो तो सभी को ही पता है, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, वो एटम ही थे, ठीक है। हम सब कोई, हर कोई एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हैं, उसके बाद ये कंबाइन होते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं, और कंपाउंड्स जब कंबाइन होते हैं तो सब्सटेंसेस बनाते हैं। इन्हीं एटम्स की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से पूरी दुनिया जो है वो चल रही है। ये सारे एटम मॉलिक्यूल्स अगर इनको हम अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि आत्मा एनर्जी सोल यही एटम तो बनाती है। व्हाट इज एनर्जी भैया? आइंस्टीन बाबा ने क्या बोला था जो हमारे वेदों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, E=mc², ठीक है। मास क्या है? मास इज नथिंग बट एनर्जी। भैया मास अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगी तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मैं पूरा आइंस्टीन का लेक्चर में ले चुका हूं, आप देख लीजिएगा। तो आइंस्टीन ने बोला था, यही तो ऋषि कनाद का ही इंटरप्रिटेशन था, और यही तो हमारे वेदों ने भी बोला है कि अगर आत्मा क्या है, आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है, वो खाली रूप बदलती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला है तो इसको बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है, वो थोड़ा अनसाइंटिफिक है। दोस्तों एक चीज मैंने देखी है कि एंशियंट अगर हम वर्ल्ड की बात करें और एंशियंट इंडिया की बात करें, बड़ी ही खूबसूरत दुनिया थी वो, तो वहां पे रिलीजन साइंस ये एक थे, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी ये एक थे, ये तीनों अलग नहीं थे, ये तीनों एक होके चलते थे। लेकिन मॉडर्न में इन तीनों को अलग अलग कर दिया है, साइंस को अलग कर दिया है, रिलीजन को अलग कर दिया है, और स्पिरिचुअलिटी को तो बिल्कुल अलग कर दिया है। दोस्तों सब एक है, याद रखिएगा, स्ट्रिंग थ्योरी यही कहती है ना कि हर कुछ एक टाइम पे एक ही साथ जुड़ जाता है। तो ऋषि कनाद जो है दोस्तों वो बात करते हैं कि देयर आर 6 प्रॉपर्टीज, 6 पदार्थ होते हैं जो कि रियलिटी है, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ रियलिटी। और अगर आप इनको समझ लें, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ही हम दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो देख लीजिए, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, अभाव है जो कि नॉन एग्जिस्टेंस है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जो मेन है वो 9 तरह की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है अर्थ, उसके बाद क्या आता है? वॉटर, फिर क्या आता है? लाइट, फिर क्या आता है? एयर। तो एटम्स इन हर जगह पे प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ एटम से रिलेट करके देखिएगा। उसके बाद ये 4 तो फंडामेंटल रहते ही हैं, क्योंकि इन्हीं से ही पूरा अर्थ बना हुआ है, हम ही इन्हीं से बने हुए हैं, तो बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर जो बाकी के 5 आते हैं वो है स्पेस, ठीक है। वैसे तो आपको बता ही दूं कि यूनिवर्स को बोला जाता है कि वो खाली 2 ही चीजों से बना हुआ है, एक तो एटम्स और दूसरा स्पेस यानी कि वॉइड, एक एटम और दूसरा खाली, तो यही यूनिवर्स की ही डेफिनेशन है एक तरीके से। तो फिर 5वां जो है स्पेस, 6ठा जो है वो है टाइम, 7वां जो है वो है डायरेक्शन, उसके बाद सोल, ठीक है, सोल या माइंड। तो ये 9 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज आर 9 प्रॉपर्टीज, ठीक है, और जिनको सबसे इंपॉर्टेंट मूल सब्सटेंस जो बोला गया था, ये कनाद इनकी बात करते हैं। और अगर इन सारी चीजों को समझ लिया तो आप आसानी से उस ब्रह्म को समझ सकते हैं। और ये भी कनाद ये भी बोलते हैं कि कनाद ने वेदों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वो बोलते हैं किसी भगवान को समझने की जरूरत नहीं है, नॉन थीस्टिक है, भगवान की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं खाली वेद को समझ लो, खाली वेदों का ज्ञान ले लो, क्योंकि वेद जो है वो ब्रह्म की वाणी है, मैंने बताया था ना कि डिवाइन रेवलेशन है, वो तो सीधा वहां से आया है। तो वो बोलते हैं कि आप इनको समझ लो, बाकी सब छोड़ दो,
तो ये चीज है। अब दोस्तों ऐसा है ना कि धर्म की भी परिभाषा कनाड जो है वो देते हैं, वो धर्म को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं विच ब्रिंग्स अबाउट मटीरियल प्रोग्रेस एंड हाइएस्ट गुड। यही जो है अपने सूत्र, मतलब जो जब धर्म को कनाड डिस्क्राइब करते हैं तो वो इस तरह से कुछ डिस्क्राइब करते हैं कि जो भी मटीरियल प्रोग्रेस आए, मटीरियल प्रोग्रेस आ रही है और बहुत अच्छा कर रही है लोगों के लिए, वही धर्म है। वैसे धर्म की परिभाषा जो है वो काफी लोगों की अलग अलग होती है, ठीक है, और बुक्स में भी वो अलग अलग मिलेगी, लेकिन धर्म का अगर हम एक यूनिफाइड डेफिनेशन पे आए तो धर्म मतलब होता है योर राइटियस एटीट्यूड, जो सही है वही उस वक्त आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज है। और इन्होंने एक और चीज बोली थी कि धर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेद को समझ लो, वेद जो है वो धर्म को बताते हैं, और वेदों में तो पूरा डिविजन है ना कि किसका क्या धर्म है, तो वेद को समझ लिया तो सबको समझ लिया, ये कनाद का बार बार इंटरप्रिटेशन रहता है। उसके बाद वापस एटम्स पे आते हैं दोस्तों, यहां पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दिव्यानुक और त्रियानुक, ये डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, कनाद इसकी भी बात करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला था, जो कि बाद में मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी बताया पूरा रिसर्च करके, कि जो किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की जो स्टेट होती है वो या तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, या फिर वो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। अगर रेस्ट पे रहेगा तो ठीक है, मोशन करेगा तो उससे एनर्जी निकलेगी, तो यहां पे किस तरीके से वो इंटरैक्ट करता है इसके बारे में भी कनाद ने समझाया है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ग्रीक थ्योरी भी है, क्योंकि अगर हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें इंडियन स्कूल भी है और ग्रीक स्कूल भी है, और दोनों में काफी ज्यादा कंटिन्यूटी मिलती है। लेकिन कनाद ने सबसे बड़ी बात जो बोल दी थी कि यहां पे जो एटम है वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी डिफर करते हैं। ग्रीक स्कूल ने क्वालिटेटिवली की कोई बात नहीं की थी, उन्होंने बोला क्वांटिटी वाइज वो डिफर करते हैं, क्वालिटी मतलब न्यूक्लियस के अंदर उनका किस तरीके से बिहेव होता है, बिहेवियर होता है, तो क्वालिटी वाइज डिफर करते हैं। भाई वो तो बाद में प्रूव हो ही गया था ना कि कितने सारे एलिमेंट्स आ गए थे और उनका एटॉमिक नंबर अलग था और उनका बिहेवियर अलग था, वो क्वालिटी वाइज अलग पूरा बिहेव कर रहे थे। तो ये कनाद ने जो है वो बहुत ही पहले जो है बोल दिया था। अगर इनके वैशेषिका सूत्र की बात करें दोस्तों तो टोटल 10 लेसन्स हैं और हर लेसन में लगभग लगभग 370 फॉर्मूले हैं, तो अच्छा खासा एक लंबा चौड़ा कंपाइलेशन है। तो ये दोस्तों मेरा लेक्चर था ऋषि कनाद पे, एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे भैया, फिजिसिस्ट थे ये और फिलोसोफर तो थे ही। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।